हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो सीबीएसई 9th to +2 स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि सीबीएसई ने 21-22 के लिए अपना न्यू सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। सो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है सीबीएसई के सिलेबस डाउनलोड करने में। सो इस वीडियो में देखेंगे कि आपने सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है सो दैट आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल में सीबीएसई राइट करना है, ठीक है। जब आप सीबीएसई फिल करोगे, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, तो आपको जो फर्स्ट वाली टैब पर क्लिक करना है, क्लियर। एंड आफ्टर क्लिकिंग इट वी गॉट दिस टाइप ऑफ पेज, तो आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एकेडमिक वेबसाइट, सो क्लिक ऑन दिस। सो आपको स्टूडेंट इस टाइप की विंडो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको करिकुलम ऑप्शन पर जाना है। अगेन आपको फिर से वही विंडो देखने को मिलती है, तो फिर से आपको करिकुलम पर क्लिक करना है। नाउ अगेन फिर से वही विंडो खुलती है, तो आपको बैक बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं, करिकुलम 2021-2022 एंड रिवाइज करिकुलम। तो आपको स्टूडेंट करिकुलम 2021-2022 पर क्लिक करना है। तो आफ्टर क्लिकिंग दिस यू कैन सी यहाँ पर 9th to 10th अलग ऑप्शन दे रखी है और 11th to 12th अलग ऑप्शन है। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपको उस क्लास पर क्लिक कर लेना है। ऐसे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको 10th का सिलेबस दिखा देती हूँ। सेकेंडरी करिकुलम 9th-10th पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप की ऑप्शन मिलेगी। 3 ऑप्शंस हमारे पास रहती हैं, लैंग्वेज, मेन सब्जेक्ट एंड अदर एकेडमिक इलेक्टिव। तो जैसे आपको साइंस का सिलेबस निकालना है, ठीक है, तो आप मेन सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे। मैं आपको सभी दिखा देती हूँ एक बार ओपन करके। लैंग्वेज में आपके सभी लैंग्वेज सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आपने पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी जो भी रखा हुआ है। और मेन सब्जेक्ट पर आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स देखने को मिलता है। एंड अदर अकेडमिक में आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे हमने साइंस का देखना है तो हम साइंस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सिमिलरली 11th-12th के स्टूडेंट वो अपना देख सकते हैं। 11th-12th पे क्लिक करने के बाद लैंग्वेज में लैंग्वेज सब्जेक्ट देखेंगे और एकेडमिक पर जो उनके मेन सब्जेक्ट रहते हैं वो देखेंगे। जैसे वो नॉन मेडिकल के हैं, मेडिकल के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, ठीक है, तो वो अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कोई एक सिलेबस फाइंड आउट करके। जैसे हमने 10th की साइंस देखनी है, तो 10th की साइंस और 9th की साइंस ये दोनों एक ही विंडो में ओपन होंगे। तो जैसे साइंस का सिलेबस हमारे पास आ गया है 9th and 10th, तो हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या क्या चेंज करा हुआ है, क्या क्या चेंज नहीं करा, ठीक है। तो आप ये सभी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे सामने 9th का सिलेबस है, 9th के 5 चैप्टर्स रहते हैं, मींस 5 यूनिट्स रहते हैं। तो उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रखी है, ठीक है, और ये सिलेबस है। डिटेल में सिलेबस स्टूडेंट मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम डिटेल में सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये इसके प्रैक्टिकल्स हैं। सिमिलरली अगर हम 10th की बात करते हैं, 10th के 5 यूनिट्स रहते हैं, तो ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, टोटल मार्क्स 80। तो हम देख सकते हैं कि इस बार इन्होंने कुछ भी रिड्यूस नहीं करा हुआ है। तो आपको सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं, मीन्स जो पहले सिलेबस रहता था रेगुलर सिलेबस वही आपने करके जाना है। कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, जैसे लास्ट टाइम बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिडक्ट था, तो इस बार इन्होंने
वो इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। तो आपको सभी पढ़कर जाना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं, आप देख सकते हैं। आपको एनसीईआरटी की प्रॉपर बुक फॉलो कर लेनी है, और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सो दैट आपको सभी टाइप का मटेरियल मिल सके। सो इसी तरह आप अपने बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।